जेशन एंथैल्पी, ओके आयनाइजेशन एंथैल्पी। और ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है गाइस, ये हम लोग एक्चुअली क्लास 11 स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, ओके टू रिमूव द मोस्ट लूजली, ओके लूजली मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस आइसोलेटेड एटम, ओके मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका मीनिंग अलग है। इन इट ग्राउंड्स स्टेट, ओके। तो ये उसका डेफिनेशन है गाइस आयनाइजेशन एंथैल्पी का। सो देयर रिक्वायर्ड, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस आइसोलेटेड एटम, ओके इन इट्स ग्राउंड स्टेट। मतलब ये गाइस कि अगर हम लोगों को आयनाइजेशन एंथैल्पी देखना है तो हमको ऐसे, मतलब एक गैसियस आइसोलेटेड एटम, कोई भी एक ऐसा एटम, मतलब सिंपली बता रहा हूँ, जैसे ऑक्सीजन गैस होता है तो हमको गैस का फॉर्म नहीं लेना, O2 नहीं लेना है, यहाँ पे हमको आइसोलेटेड गैस फॉर्म लेना है, यानी कि एटम लेना है, हाँ यानी उसमें O ही लेना है, यानी कि उसके आस पास पर्टिकुलर एरियाज में सराउंडिंग कुछ भी दूसरा चार्जेस नहीं होना चाहिए जिससे वो इरीटेट हो, ओके यानी कि वो एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा एक फॉर्म लेंगे, उसमें जो मोस्टली लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए जितना क्या चाहिए हमको, एनर्जी चाहिए, वही क्या होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी होता है गाइस, ठीक है। और इसको हम लोग जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैं ऑक्सीजन देता हूँ, तो ऑक्सीजन हमारा गैस फॉर्म है, अगर मैं इस गैस फॉर्म से किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूँ, ठीक है, तो ये जो होगा ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये जो होगा उसका डेल एच, ठीक है, जो हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं डेल एच ए, जो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये एंथैल्पी ग्रुप नंबर 16 में कैसे वर्क करता है गाइस, ये देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो बेसिकली अगर मैं चलूँ गाइस, ठीक है, डाउन द ग्रुप, बेसिकली डाउन द ग्रुप जाता हूँ, सो वी आर गोइंग टू डाउन द ग्रुप। सो गाइस अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तब क्या होगा, तो ग्राउंड डाउन द ग्रुप का कंडीशन क्या होगा, ओ यानी कि ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेरेनियम एंड आपका बेसिकली पोलेरिनियम। तो ये कंडीशन में डाउन अ ग्रुप जा रहे हैं हम लोग, डाउन अ ग्रुप जाएंगे गाइस, तो देखो भाई सबसे कंडीशन इंपॉर्टेंट चीज़ द साइज विल बी इंक्रीज, ओके, एंड साइज के साथ साथ जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल आल्सो क्या होगा गाइस, इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस। रीजन तो पता है ना, रीजन ये है कि जब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो होता है डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होती है, बात समझते जाना यहाँ पे। अगर ये ऐसा हुआ तो एक यहाँ पे रोल ऑल प्ले होगा, जो अट्रैक्शन पावर होगा, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, ओके न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल आल्सो, देखो गाइस अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल आल्सो क्या होगा भाई, देखो पहले क्या हो रहा है, साइज छोटा है, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। तो साइज़ के इंक्रीज होने की वजह से उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो तो धीरे धीरे करके क्या होता है, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, दूर जाने से क्या होती है, अट्रैक्शन जो पॉसिबिलिटी होती है उसकी टेंडेंसी कम हो जाती है, सो इट विल बी डिक्रीज, ओके याद रखना डिक्रीज हो जाएगा।
उसके साथ साथ एक फंक्शन इसमें ये भी होगा गाइस कि जो एनर्जी होगी, एनर्जी ओके रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन विल बी डिक्रीज। मतलब कि जो उसके सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो भी क्या होगा गाइस, धीरे धीरे कम हो जाएगा। रीज़न क्या है कि रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रॉन के सबसे पास में जुड़ा हुआ है उसको रिमूव करने के लिए गाइस हमको मोर वर्क करना पड़ता है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी दोगे तभी जाइए कि क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। बट धीरे 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 क्या हो रहा है, उसका जो डिस्टेंस है, अट्रैक्शन है, कम होते जाता है। तो एनर्जी को हम लोग यानी इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमको ज़्यादा काम करना पड़ा, यहाँ पे हमको कम काम करना पड़े, तो एनर्जी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है गाइस। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इसके बेसिस पे आ रहा है। ओके, एक और पॉइंट इसमें आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने डील किया है। सो आयनाइजेशन देयरफॉर एंड आयनाइजेशन एनर्जी विल बी डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ओके, तो ये कंडीशन अप्लाई होगा गाइस। ओके, ऐसी बहुत सारे और कंडीशंस हैं जो हमको बेसिकली अप्लाई करना होता है। ओके, अब ये तो बात हो गया गाइस, बेसिकली जब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। अगर ग्रुप नंबर 16 में अगर हम लोग अक्रॉस द पीरियड जाएँ तब क्या होगा, तो गाइस ये क्या हो रहा है, अभी अभी डिक्रीज हो रहा है, तो जस्ट अपोजिट।